नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड केसरी और मैं हूं आपके साथ एकता। मैं लेकर आई हूं बॉलीवुड के कुछ लेटेस्ट अपडेट। अक्षय कुमार की पीरियड ड्रामा फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को रिलीज होने में अब कुछ ही दिन बाकी है। वहीं फिल्म को लेकर अक्षय लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। साथ ही फिल्म के दोनों ही लीड स्टार कास्ट अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर जमकर फिल्म की प्रमोशन भी कर रहे हैं। वहीं इस फिल्म को अक्षय के साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक कहा जा रहा है। यशराज प्रोडक्शन तले बनी यह फिल्म निडर और पराक्रमी राजा पृथ्वीराज चौहान की जीवन को दर्शाती है। वहीं इतिहास संबंधी यह फिल्म है, जिसकी वजह से फिल्म सेट को बनाने में मेकर्स ने जमकर पैसे भी बहाए हैं। तो कितने के बजट में बनी है ये फिल्म और कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इसमें शामिल, जानते हैं फिल्म से रिलेटेड हर वो डिटेल सिर्फ और सिर्फ इस रिपोर्ट में। दरअसल इतिहास से जुड़ी जब कोई फिल्में बनाता है तो आम फिल्मों के मुताबिक इसमें सबसे ज्यादा खर्च लग जाती है, क्योंकि फिल्मों की भव्यता दिखाने के लिए सेट, प्राची कॉस्ट्यूम, गहने और बाकी चीजों पर भी अच्छा खासा बजट लग जाता है। फिल्म पृथ्वीराज पर भी मेकर्स ने खूब पैसा बहाया है। जानकारी के मुताबिक फिल्म में 12वीं शताब्दी की दिल्ली, अजमेर और कन्नौज को फिर से उसी रूप में दिखाने के लिए विशाल सेट बनाया गया है, जिसके लिए 25 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं इस विशाल सेट को बनाने के लिए 900 श्रमिकों ने लगभग 8 महीने तक कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। फिर फिल्म का पूरा बजट 300 करोड़ का बताया जा रहा है। वहीं सेट बनाने में जो खर्चे हुए वो तो हमने आपको बता दिए, लेकिन अब बात कर लेते हैं स्टार कास्ट की फीस की। तो फिल्म में लीड रोल निभाने वाले अभिनेता अक्षय कुमार ने भी मोटी फीस चार्ज की है। जानकारी के मुताबिक उन्होंने इस फिल्म के लिए बतौर फीस 60 करोड़ रुपए लिए हैं, जबकि अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रही मानसी छिल्लर ने रानी संयोगिता के किरदार के लिए तकरीबन 1 करोड़ के आसपास चार्ज किया है। वहीं रिपोर्ट की माना जाए तो संजय दत्त ने भी काका कान्हा के किरदार के लिए 5 करोड़ रुपए और सोनू सूद ने चंदर बाई के किरदार के लिए तकरीबन 3 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। वहीं बॉलीवुड में अक्षय कुमार को हिट फिल्में देने के लिए जाना जाता है, लेकिन उनकी पिछली फिल्म बच्चन पांडे बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई थी और इसकी वजह से अभिनेता की ब्रांड वैल्यू भी कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही है। इसके कारण उनकी ये मूवी हिट होने के काफी मायने भी रखती है। वैसे तो बच्चन पांडे के फ्लॉप होने के रीजन में द कश्मीर फाइल्स को बताया जा रहा था, क्योंकि मूवी बॉक्स ऑफिस पर पहले से ही काफी कमाल दिखा रही थी। वहीं इस समय भी अक्षय कुमार को टक्कर देने के लिए कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 पहले से ही बॉक्स ऑफिस पर पैर जमाए बैठा हुआ है और फिल्म 100 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो गया है। वहीं अब अक्षय को वापस से अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए फिल्म को 100 करोड़ से अधिक की कमाई करनी ही पड़ेगी। वेल, आप पृथ्वीराज के लिए कितने एक्साइटेड हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बस अभी की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं एकता त्रिपाठी, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।